जी हाँ, मैंने शायद इसीलिए हाँ कहें क्योंकि ये बच्चों का फैशन शो था. मतलब वन ऑफ द मेन रीजंस टू से यस, इट्स इंडिया किड्स फैशन वीक. दिस इज़ द सिक्स्थ सीजन और ये आई थिंक हर सिटी में होता है और इसका फिनाले जो है वो बॉम्बे में हो रहा है. एंड आई ओपन्ड द शो टुडे एंड इट वॉज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस बिकॉज ऑल पेरेंट्स आर देयर, दिस ब्यूटिफुल किड्स आर देयर और मेरा भी बच्चा है 3.5 साल का. तो मैं वैसे ही बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आया. जब मैं रैंप पर गया तो बहुत एनर्जी थी वहाँ पर. जब बच्चे भी वॉक कर रहे थे, दे वॉज सो मच एनर्जी एंड आई वॉक फॉर कीर्ति कम. सो दैट्स कीर्ति राठौड़ फॉर यू गाइज एंड शी इज़ एन अमेजिंग ह्यूमन बींग एंड देन अ ग्रेट डिज़ाइनर. और हाँ, सारे बच्चे आए मेरे पास, उनको पिक्चर्स चाहिए थे उनको, और मुझे जानते हैं, किसी ने नागिन में देखा है तो किसी ने डांस दीवाने में, तो बहुत खुश थे. एंड दे ऑल एंड इट्स ऑलवेज गुड टू बी यू नो अ पार्ट ऑफ एनी थिंग दैट इज़ गॉट टू डू विद किड्स. आई थिंक वही फ्यूचर है, वही हमें सबसे ज़्यादा खुशी देते हैं. और ऑल्सो बिकॉज ये एक अच्छे कॉज के लिए है, ये वॉक, ये जो पीस वॉक हमने किया फॉर द निर्भया NGO कॉज. एंड मुझे लगा कि इसमें वेमेन एम्पावरमेंट भी है और इंडिया की फैशन वीक भी है. सो आई थिंक आई वॉज मोर देन हैप्पी टू बी द शो स्टॉपर फॉर कीर्ति राठौड़. आई थिंक सिंपल इज क्लासी, सिंपल इज क्लासी. एंड अर्जुन को मैं देखती आ रही हूँ इतने टाइम से एंड आई नो हिज टेस्ट. सो मैं चाहती थी कि उनको ऐसा स्लीक सिंपल आउटफिट दूँ जो कि उनकी पर्सनैलिटी को मैच करता हुआ हो. यार जब हम बच्चे थे तो हम सिर्फ गलियों में खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे. फैशन शो तो वगैरह हमने कभी मतलब देखे ही नहीं थे, मतलब सोचा नहीं था कभी फैशन शो पे वॉक करेंगे. बट यस, स्कूल में ज़रूर वो करते थे, स्टेज पे कुछ ना कुछ बच्चों का ज़रूर रहता था हमारे स्कूल में, बॉम्बे स्कॉटिश में. एंड आई थिंक नाउ विद टेक्नोलॉजी, विद द न्यू जनरेशन कमिंग इन, लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज एंड इट फील्स ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट. हम भी उनके साथ सीख रहे हैं, उनके साथ ग्रो कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यू नो जब वो बड़े होंगे तो क्या क्या और नई चीज़ें होंगी वो भगवान ही जाने और साइंटिस्ट जाने. बट आई एम श्योर कि वील ऑल्सो बी इन टच बिकॉज ये जो टाइम है वो बच्चों के साथ दोस्त रहने का है, मतलब दोस्ती बढ़ाने का है. दिवाली पे वही अपनी जो लक्ष्मी पूजा होती है वो होगी. बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया जाएगा, थोड़े बहुत क्रैकर्स बर्न करेंगे बट ज़्यादा नहीं बिकॉज बहुत पोल्यूशन है. सो द वंस विच आर अलाउड लीगली नाउ वही. एंड बस शायद किसी के यहाँ, दोस्तों के यहाँ जाना होगा, रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना होगा और सारी मिठाइयाँ, खूब सारी मिठाइयाँ. एंड दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, सो इट्स गोइंग टू बी ब्राइट एंड आई विश एवरीवन अ हैप्पी दिवाली एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर. बताऊँ? हाँ जी, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एट इंडियाज किड्स फैशन वीक season 6. आई हैव टू से दैट season 6. पर अगर आप अगर ऊपर से नीचे तक देखेंगे ना, व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट द होल थिंग इज दैट इट्स मेंट फॉर किड्स. किड्स इज कम्फर्ट एंड द स्टाइल कमिंग एट टुगेदर एंड दैट्स व्हाट्स फैंटास्टिक अबाउट द होल थिंग. ऑल्सो द एनर्जी हियर, द एनर्जी इज नॉट अबाउट बींग प्रॉपर, द एनर्जी इज अबाउट हैविंग फन. जहाँ फन की बात ही होती है वहाँ बच्चों की बात होती है, वहाँ पर हैप्पीनेस की बात होती है. दैट्स व्हाट इंडियाज किड्स फैशन वीक एंड कीर्ति इज ऑल अबाउट. एब्सोल्युटली,
विकास की पर्सनालिटी को देखते हुए, बिकॉज ये टॉल हैं, तो आई वांटेड टू गिव हिम समथिंग विच इज़ मैचिंग हिज पर्सनालिटीज, प्लस उन्होंने जो ये स्नीकर्स के साथ इसको टीम अप किया, दैट वाज अमेजिंग. जो बच्चों की एनर्जी दिखती है वो ये स्नीकर्स को देखते हुए दिखती है. बट यू सी द एजीनेस इज फन, नो? If you are not, like I said, style with comfort is what kids should be all about. Yes. And that's what Kirti told me. And that's one of the reasons why we decided to team up the Jordans with... With the Sherwani. Yes. Yeah, मैं बचपन में बहुत ही इनसिक्योर था. मैंने कभी नहीं सोचा था मैं ऐसे रैंप वैम्प पे वॉक कर रहा हूँ. तो कीर्ति इज वेरी काइंड एंड डिसाइडेड नहीं. He is very, I'll cut here. He is very kind. He took up this cause of mine and sportingly agreed to walk for this Nirbhaya's NGO Peace Walk and came up and gave so much of energy to the little bachas on the ramp, and all thanks to him. No, no, it's something that we should all come together for, not just for Nirbhaya, not just for cause, for the kids, because abhi se they are going to be inculcating the whole idea about this, and that's a very good thing. अरे जो मम्मी बोलती है वही करना पड़ता दिवाली पे. तुम क्या कहीं कुछ और कर पाओ? अगर मैं मम्मी कुछ और बोलती तो काय को बोल रहे हो? इट्स ऑल मम्स. मिठाइयां, मिठाइयां, हाउस, नो डाइटिंग, ईट फैमिली, मिठाइयां, रिश्तेदार, फन. हाँ जी. आई दिस विकास गुप्ता और सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू. Thank you.